Hello everyone, I am Monika. Today I will start class 8 mathematics chapter 8. Okay, exercise 8.1. I have been already discussed question 1st to 10th. Okay, and then question number 11. A question number 11 says, a fruit basket has 5000 fruits, 5% oranges and 1% are mangoes. What is the टोटल नंबर ऑफ अदर फ्रूट इन द बास्केट. अब देखो 5000 फ्रूट्स हैं, ठीक है, इसको आप अरेंज करोगे अपने हिसाब से, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ क्या है. 5000 फ्रूट्स हैं, ठीक है, यानी टोटल कितना है. और मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, टोटल हर एक क्वेश्चन में कितना लेना, 100%. 100% कितना है, 5000, ठीक है. अगर एक बात बताओ, अगर 5% आर ऑरेंजेस एंड 1% आर मैंगोस, यानी टोटल कितने होंगे ऑरेंजेस और मैंगोस, 6%, ठीक है, 6%. यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5000 अपॉन 100, ठीक है, कितना आया आंसर, 50, ठीक, 1% की वैल्यू. अब अगर मैंने बोला 6% क्या है आपका, oranges and mangoes, which means that 6% की value find out करो, तो क्या होगा, 6 into 50, ठीक है, कितना आ गया, 300, ठीक. अब ये तो वो है जिस जहाँ पे oranges और mangoes इसमें include है. तो इसमें question में है कि oranges और mangoes के अलावा और कौन से fruit है, तो कितना आएगा, 100 minus 6%, ठीक है, समझ में आया, कितना है आपका, यहाँ से कितना आएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ऑरेंजेस एंड मैंगोस, राइट. ठीक है, किसकी वैल्यू है, ये मैंगोस एंड ऑरेंजेस की वैल्यू है. तो इसको बस इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सब बचा हुआ कितना है, तो क्या करोगे आप, 5000 minus 300, टोटल में से ऑरेंजेस एंड मैंगोस को मैंने माइनस कर दिया, तो जो लेफ्ट है, ठीक है, विच मीन्स दैट अदर फ्रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे, कितना आएगा आंसर, 4700. ओके, समझ में आया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, और ये आपको अरेंज करना है सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, ये आप कर लोगे. एंड देन क्वेश्चन नंबर 12, इन क्लास 8 देयर आर 80 स्टूडेंट हु लाइक गेम्स, व्हिच कंस्टिट्यूट्स 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल. अब देखो क्वेश्चन क्या है, टोटल स्टूडेंट्स पूछा गया है, मतलब किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, 100% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, ठीक है, समझ में आया इतना. अब देखो 80 स्टूडेंट हैं जिनको गेम्स पसंद है, और वो कितना है, वो है 40%, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80, यहां से 1% की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, कितना आएगा, 80 अपॉन 40, कितना आ गया, 2, ठीक, ये 1% की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली. अब एक बात बताओ, 100% कितना होगा, यहां से 100% फाइंड आउट करो, 2 इन मल्टीप्लाइड विद 100, कितना आ गया, 200 स्टूडेंट्स. ये क्या है, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यही क्या है आपका आंसर, इसे आप अरेंज कर लोगे, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में, और विदाउट अरेंजमेंट अगर आपने क्वेश्चन पेपर में किया, तो इतना याद रखना, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे 2, इतना याद रखना, ठीक है, 2 मार्क, आपकी मार्किंग कैसी होगी, 2 out of 4, ये याद रखना, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना है, ठीक है. एंड देन क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. 13. Kumar spends 30% of his pocket money on stationery and 3% on sweets. In a particular month, he spent rupees 231 on these two items. तो एक बात बताओ, ये जो two items हैं, stationery और sweets के, ये total कितने हो गए, 33%, और 33% किसके equal है, 231 के, ठीक है. अब टोटल अगर आपसे पूछे तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, व्हाट इज
his total pocket money for this month. तो total pocket money कितनी होगी? 100% के equal. 1% की value निकाली and then 100% की value find out करनी. Same as it is question number 12. ठीक है? कल हो गई ये. And then question number 14. Raj deposits 12% of his pocket money in his piggy bank. राज क्या है? राज डिपॉजिट करता है 12% ऑफ हिज पॉकेट मनी. ठीक है, पॉकेट मनी का 12% अपने पिगी बैंक में. इफ ही डिपॉजिटेड रुपीज 1440 इन द पिगी बैंक, देन व्हाट वाज हिज टोटल पॉकेट मनी. यहाँ भी टोटल पॉकेट मनी आपको फाइंड आउट करनी है. 12% इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको? 1440. यहाँ से 1% की वैल्यू आपने फाइंड आउट की. ठीक है, एंड देन 100% क्योंकि टोटल पॉकेट मनी आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक, समझ गए? कर लोगे ये? ठीक है, ठीक है. अब देन क्वेश्चन नंबर 15. अ साइक्लिस्ट ट्रैवल्ड 122 किलोमीटर बिफोर रीचिंग अ पिट स्टॉप. इफ ही हैड ट्रैवल्ड 10% ऑफ हिज जर्नी टू कंप्लीट एट दिस पॉइंट, हाउ लॉन्ग वॉज द टोटल राइड. अब टोटल राइड सेम एज इट इज 100% के इक्वल होगा. ठीक है, और 122 ये आप कर लोगे. ठीक है, ये बहुत इजी है, सेम एज इट इज पूरा जिस टाइप से मैंने अभी आपको समझाया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड देन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. हियर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस. SP, what is the means of SP? Selling price. Okay, simple आपको क्या याद रखना है? It is the selling price of an item. ठीक है? अब देखो, CP क्या होता है? It is the cost price of the of any item. अब यहाँ से आपका ये तो हो गया theoretical knowledge. ठीक है? अब ध्यान से सुनना. Selling price का मतलब क्या होता है? Selling price, seller जिस रेट पे आपको sell कर रहा है. ठीक है, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं हिंदी में बेचने वाला प्राइस. मतलब जिस रेट पे सेलर आपको सेल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस. ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मीनिंग होता है कि किसी भी आइटम का कॉस्ट प्राइस. नहीं समझ में आया? जैसे देखो, यहाँ पे 3 टाइप्स के आइटम होते हैं, 3 टाइप्स के प्राइसेस होते हैं. फर्स्ट होता है कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सेकंड होता है आपका मार्क प्राइस. ठीक, और थर्ड होता है आपका, ये लिखना नहीं है, थर्ड होता है सेलिंग प्राइस. ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस क्या, यहाँ देखो मार्क प्राइस सबसे पहले समझो. जैसे ये बुक है, ठीक है, ये क्या है? ये बुक है. यहाँ पे जो प्राइस मार्क्ड है इसे क्या बोलेंगे? मार्क प्राइस. ठीक है, 350 रुपीज है ना, तो ये क्या है? ये मार्क प्राइस है. लेकिन क्या, एक बात बताओ, ये जो बुक जिसने मैन्युफैक्चर की है वो इसी रेट पे इसे सेल किया होगा? नहीं. ठीक है, ये किसके लिए है? ये आपके लिए और मेरे लिए है. ठीक है, तो ये वो प्राइस है जिसने सेलर जिस रेट पे इसे सेल करेगा इस बुक को. ठीक, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर जिस रेट पे सेल करेगा, कॉस्ट प्राइस यानी उसका कितना खर्चा आया एक्चुअल में उस बुक को बनाने के लिए, वो है कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सेलिंग प्राइस आप समझ गए, जिस रेट पे सेलर आपको सेल करेगा. ठीक है, एग्जांपल्स अभी मैं बताऊंगी तो उससे और ज्यादा क्लियर होगा. मार्क प्राइस, जो मार्किंग है प्राइस की बुक पर या फिर किसी भी आइटम पर. ठीक है, इतना समझ गए. अब देखो प्रॉफिट कब होगा. अब एक बात बताओ, बेचना और खरीदना, ठीक है, ये है खरीदने वाला प्राइस, मतलब जिस रेट पे आपने खरीदा है, और ये है बेचने वाला प्राइस जिस रेट पे आपने बेचा है एक्चुअल में. ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो. अब ध्यान से सुनना, खरीदा है, अगर आपका आपने कोई एक आइटम खरीदा, ठीक है, सपोज ये बुक ही खरीदी. ठीक है, इस बुक को खरीदा आपने, यहाँ पे प्राइस जो आपका गिवन है वो नहीं है गिवन. ठीक है, सपोज, तो अगर आपने सपोज ये बुक आपने 350 में खरीद ली, ठीक है, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 350 रुपीस. ठीक, और अगर आपने इस बुक को 400 में बेच दिया, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 350 में खरीदा, 400 में बेच दिया. ठीक,
मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 350 है, सेलिंग प्राइस कितना है 400 है, तो आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट, ये आप सोचो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्यों, क्योंकि आपने ज्यादा में सेल किया ना, ठीक है, समझ में आया, तो वहां पे क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इट इज द गेन इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सेलिंग प्राइस ज्यादा था, 400 ज्यादा था ना किससे, कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस कितना था 350 था, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये मालूम है कि ग्रेटर देन कौन सा है और प्रॉफिट और लॉस कौन सा हो रहा है, तो जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें से आप लेसर वैल्यू को माइनस कर दो, आपका वही फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं समझ में आया, सेलिंग प्राइस अभी था कितना 400, सीपी कितना था 350, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 400 माइनस 350 कितना आया 50 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक है, अब देखो सेकंड लॉस, इट इज द लॉस इनकर्ड व्हेन यू सेल एट अ प्राइस लोअर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या है, अगर यहीं पे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो जाएगा तो लॉस क्या होगा, लॉस होगा सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब क्या है, अब जैसे सपोज मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था बुक का, आपने 350 में कोई बुक खरीदी, जैसे सपोज वही बुक खरीदी 350 में, ठीक है, और आपने उसको बेच दिया, आपने सेल कर दिया उस बुक को कितने में, 300 में, 350 में आपने खरीदा है, ठीक है, और 300 में आपने बेच दिया है, सेल कर दिया है, तो एक बात बताओ आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सिंपल दिख रहा है आपको लॉस होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपने कम पैसे में सेल किया है और ज्यादा पैसे में खरीदा है, ठीक है, तो कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ भी 50 का लॉस हो रहा है, ठीक है, समझ में आया ना क्या बता रही हूं मैं, ठीक है, ये है क्या प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फॉर्मूलाज देख लेना और फॉर्मूलाज को लर्न कर लेना, ये वाला एंड देन ये वाला, ठीक, एंड देन ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है, अब देखो इसके बाद जो मैंने समझाया है उसके बाद आपको ये फॉर्मूलाज राइट करने हैं, ठीक है, अपनी कॉपी पे, कौन सा, ये जो फॉर्मूलाज गिवन है पेज नंबर 118 पे, ठीक है, ये यूज होगा और इसको आपको लर्न करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये पूरा लर्न कर लेना, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले, ठीक, ठीक है, अब देखो ओवरहेड एक्सपेंसेस, यहाँ नेट कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, नेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंसेस, अब एक बात बताओ नेट कॉस्ट प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस सिंपल आप जिस रेट पे खरीद रहे हो वो, ठीक है, ये, ठीक है, अब एक बात बताओ सीपी और ओवरहेड एक्सपेंसेस आ कहां से गया, इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, अगर नेट अपन को कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो यहां पे ऐसा है, देखो अगर जैसे सपोज आपने कोई सामान मंगवाया, ठीक है, अमेज़न से, ठीक, अमेज़न से कोई सामान मंगवाया और उसकी प्राइस है 300, ठीक, सपोज आपने कोई कुछ भी ले लो वॉच मंगवाई, ठीक है, उसकी प्राइस है, एक्चुअल प्राइस कितनी है 300 है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 300 है, लेकिन अमेज़न पे जब आप बुकिंग करते हो तो वहां पे वो कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना है इसमें 60 है, ठीक, तो टोटल कितना हो गया 360, ठीक है, मतलब एक्चुअल में उसकी वैल्यू आपको कितने में पड़ी 360 रुपीस में, मतलब जो वॉच थी वो एक्चुअल में आप कितने में खरीद रहे हो 360 में, लेकिन ये 60 रुपीस क्या है, 60 रुपीस है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, ये केवल एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल सुन लो, ठीक है, सपोज आपने कोई बाइसिकल ली, ठीक, 50,000 की, ठीक है, सेकेंड हैंड ली, लेकिन ठीक सेकेंड हैंड बाइसिकल ली आपने 50,000 की, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, डेली लाइफ से रिलेट करके मैं बता रही हूँ आपको, तो
50,000 की आपने एक बाइसिकल ली, ठीक। अब सेकेंड हैंड बाइसिकल है तो जरूरी तो नहीं है कि वो एकदम अच्छी हालत में होगी, ठीक है। उसका ब्रेक सपोज ठीक नहीं है तो आपने ब्रेक में खर्च किए 200, ठीक। उसका जो टायर है वो भी ठीक नहीं है, उसको आपने सपोज चेंज करवाया तो उसका 1,000 रुपीज आपका आ गया कॉस्ट, ठीक है। आपने कितने में खरीदी थी? 50,000 में, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट और कितना लगा? 1,200 रुपीज। यही क्या है? ये है ओवरहेड एक्सपेंसेस। समझ में आया? ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा तो आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देन सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? अब देखो, उससे पहले वैल्यू एडेड टैक्स से पहले आप ये समझो मार्क प्राइस। अभी मैंने बताया था जो मार्क्ड होता है इसी को कहते हैं प्रिंट प्राइस भी, ठीक है। प्रिंट प्राइस भी बोलते हैं इसको, ठीक। आपके बुक में नहीं है गिवन, लेकिन बोलते हैं प्रिंट प्राइस भी बोलते हैं। अब देखो, मार्क प्राइस इज द प्राइस मार्क्ड ऑन द प्रोडक्ट, बता दिया मैंने, अभी बुक का एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू मार्क प्राइस, ठीक है। आप देखते होंगे अभी दिवाली सेल चल रहा है, ठीक है, 40% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। एक बात बताओ, अगर इतना अगर वो डिस्काउंट मिल रहा है तो फायदा कैसे होगा जो मैन्युफैक्चरर है उसको? फायदा इसलिए होता है क्योंकि वो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है इस वजह से, ठीक है। और आप जानते हो 8.1 पूरा सॉल्व किया आपने कि टोटल कितना होता है हमेशा 100%। तो अगर 100% में से अगर वो 80% डिस्काउंट दे रहा है तो अगर उसका 20% गेनिंग है तो उसको प्रॉफिट कहां से हो रहा? तो वो सामान क्यों बेच रहा है? इसलिए बेच रहा है वो सामान क्योंकि जो ये डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे गिवन है? आपको मार्क प्राइस पे गिवन है, जो आपका प्रिंट प्राइस है ना उस पे गिवन होता है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, जो एक्चुअल प्राइस है उस पे नहीं, जो मार्क प्राइस है उस पर, ठीक है। एक्चुअल प्राइस कौन सा प्राइस है? कॉस्ट प्राइस, ठीक। समझ में आ रहा है? ठीक है, अंतर समझ में आया दोनों में? आप देखो, डिस्काउंट द रिबेट और रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। क्या होता है? रिबेट और रिडक्शन होता है। मतलब जैसे अगर किसी भी सपोज मैंने कोई भी आइटम ले लिया और उसका रेट कितना 100 रुपीज, ठीक है। अब मैंने बोला 80% डिस्काउंट, मतलब 80 इसमें से माइनस हो जाएंगे और आपको वो सामान कितने में मिलेगा? 20 रुपीज में, ठीक। समझ में आया कि नहीं? ठीक, समझ में आया। 80% डिस्काउंट तो वो सामान कितने में मिला आपको? 20 रुपीज में। मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया सेलिंग प्राइस। या फिर इसका उल्टा किया जा सकता है कि 100 में से अगर मैंने 20 माइनस किया तो जो यहाँ आंसर आएगा 80 वो क्या होगा? डिस्काउंट। बहुत सुनते होगे ना आप डिस्काउंट डिस्काउंट, आज समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, 9th में और ज्यादा आएगा, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखो, मार्क प्राइस 100 था, उसमें से मैंने सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया तो डिस्काउंट आ गया। सिंपल, आपका एग्जांपल दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपको राइट नहीं करना, रफ में कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ देखो, डिस्काउंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू मार्क प्राइस, मैंने बोला फर्स्ट लाइन थी मेरी, तो वो इस फॉर्मूले से प्रूफ होता है। कैसे? हमेशा अगर डिस्काउंट परसेंटेज आपको लेना है, फाइंड आउट करना है, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। ये जो सेलिंग प्राइस है वो नहीं आएगा, क्या आएगा? मार्क प्राइस इनटू 100, ठीक है। समझ में आ गया ये? एंड देन वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? देखो, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है। अब देखो, वैल्यू एडेड टैक्स मैंने क्या बोला? स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, इनकम टैक्स हो गया, जैसे सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, आर सम ऑफ देम, ठीक है। ये उनमें से कुछ एक है। अब देखो, सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स इज द टैक्स दैट इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, ठीक है। जो डिफरेंट कमोडिटीज सेल करती है गवर्नमेंट, उस पे लगाया गया टैक्स है। नहीं समझ में आया? चलो पेट्रोल से समझाते हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे तो पेट्रोल के रेट जो है, एक्चुअल जो एग्जांपल है वो मैं समझा रही हूँ आपको,
ठीक है, पेट्रोल के रेट जो हैं वो दिल्ली में कुछ और हैं, एमपी में कुछ और हैं, एमपी यानी अपना मध्य प्रदेश, ठीक है, तो एमपी में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, क्यों है? क्योंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा अपने यहां तो होता नहीं है, ठीक है, बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से तो एक ही प्राइस पे मंगवाते होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट क्यों है? ये है वैल्यू एडेड टैक्स के कारण। सपोज 1 लीटर ऑफ पेट्रोल पर दिल्ली गवर्नमेंट जो है, ये केवल समझाने के लिए इसको लिखना नहीं है पहली बात तो, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो सपोज 20 रुपीज वैल्यू एडेड टैक्स यूज करती है, मतलब लगा रही है, ठीक है, लेकिन वहीं अगर सपोज मैंने क्या बोला कि पेट्रोल जो है वो बाहर से आता है, मतलब अपने कंट्री में ज्यादा नहीं होता, ठीक, तो अगर मैंने कहा अब बाहर से आएगा तो सेम प्राइस पे आएगा, सपोज 100 रुपीज का आया, मुझे नहीं मालूम अभी कितना है क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 रुपीज का आया, ठीक है, अब 100 रुपीज का आया तो 20 रुपीज वैट किसने यूज किया? दिल्ली गवर्नमेंट ने। एमपी गवर्नमेंट ने कितना वैट यूज कर लिया? 30 रुपीज। तो दिल्ली में कितने का आपको मिलेगा? 120 रुपीज का, और एमपी गवर्नमेंट में कितना का मिलेगा? 130 रुपीज का। मतलब एमपी में आपको पेट्रोल 130 रुपीज का 1 लीटर मिलेगा, और दिल्ली गवर्नमेंट में कितना मिलेगा, मतलब दिल्ली में कितने का मिलेगा? 120 रुपीज का। ये किसकी वजह से हुआ? ये वैल्यू एडेड टैक्स की वजह से हुआ, जिसको सेल्स टैक्स भी बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब देन एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, अब यहां देखो आपका पेज नंबर 120 पे टैक्स से रिलेटेड आपको फॉर्मूलाज गिवन है, वो आपको राइट करने मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि क्या कैसे होता है वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सेल्स टैक्स क्या है, ठीक, अब ये आपको राइट करना है, ठीक है, ठीक। अब जीएसटी आपने सुना होगा, बहुत हल्ला होता है जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी का मतलब क्या होता है पता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, सामान पे जो टैक्स लगाया जाए, ठीक, आप मैं सब भरते हैं इसको, सब कोई, हर एक प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे देखना उसमें लिखा होता है जीएसटी इंक्लूडेड, ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, और टैक्स से रिलेटेड आपको फॉर्मूलाज गिवन है, वो आप राइट करोगे, एंड देन आज तो टाइम हो गया, तो आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 8.2 इन द नेक्स्ट क्लास, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।